हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आ गया हूँ हिमाचल से सीधा लाइव आपके लिए एक और मस्त वीडियो लेके। मैं हिमाचल में क्या कर रहा हूँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल है यहाँ पे डाल रहा हूँ, देख लो जाके अगर इंटरेस्ट है कि मैं हिमाचल में क्या कर रहा हूँ। तो अभी बात करेंगे मूवी बूहे भारियाँ की कलेक्शन के बारे में। आज सैटरडे और फ्राइडे, कल का कैसा गया, वीकेंड में मूवी ने कैसा किया, क्या मूवी की इम्प्रूवमेंट हुई या डिक्लाइन हुआ, ओवरसी कलेक्शन कैसी है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता। सो बात करें मूवी की ओवरसी कलेक्शन की, तो अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जो एक दो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कलेक्शन अनबिलीवेबल है, यानी कि सिर्फ 5 से 7 लाख रुपये की कलेक्शन दिखाई जा रही है ओवरसीज़ में। जो नंबर शायद कम होने की वजह से ही नंबर शायद सामने नहीं आ रहा है, आई डोंट नो क्या सच है, बट 5 से 7 लाख की ओवरसीज़ की कलेक्शन दिखाई जा रही है, या फिर इसको रिलीज़ ही एक आधे मतलब रीजन में रिलीज़ किया गया, ज़्यादा रिलीज़ नहीं किया गया, पर फिर भी 5 लाख का बहुत छोटा नंबर सामने आ रहा है। आई डोंट नो ये नंबर सही है गलत है, बट जो नंबर आ रहा है ओवरसीज़ का वो यही है। ओवरऑल मूवी ने 5 लाख रुपये कमाए हैं ओवरसीज़ से, मुझे लगता है नंबर गलत है, पर यही नंबर अवेलेबल है। बात करें इंडियन नंबर्स की, तो आपको पता है कि पहले वीक में 1,75,00,000 रुपए कमाए थे मूवी ने। 4 करोड़ के बजट में ये बनी मूवी बूहे भारियाँ, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, एक मैसेज वाली मूवी है, एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज देती हुई मूवी है। एक और मूवी रिलीज़ हुई है इस फ्राइडे, द ग्रेट इंडियन फैमिली, जो कि बुरी तरह से पिट गई है मूवी, वो भी फैमिली और मैसेज के ऊपर है, बट उसका रिव्यू दिया मैंने, जाके देख लो क्यों पिटी है वो। बात करता हूँ बूहे भारियाँ की, तो अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ मूवी जा रही है। पहले हफ्ते मैंने जैसे कि बताया, पहले 3 दिन में 1,75,00,000 किया था, उसके बाद पहला मंडे 25 लाख का, ट्यूसडे 20 लाख का, वेंसडे फिर से 25 लाख, थर्सडे फिर से 20 लाख, और फ्राइडे फिर से 25 लाख रुपए। तो इस तरीके से मूवी एक कंसिस्टेंसी बनाए हुए है, 20 से 25 लाख का बिजनेस थ्रू आउट द वीकडेज किया है। अब सैटरडे को नंबर जो आ रहे हैं वो भी सिमिलर आ रहे हैं, बट हो सकता है कि जो फाइनल डाटा है उसमें इम्प्रूवमेंट आए नंबर्स की। 2,70,00,000 के आसपास नेट इस मूवी ने कमाया है फ्राइडे तक, सैटरडे का नंबर भी ऐसा ही आ रहा है, तो अगर सैटरडे का नंबर सिमिलर आता है तो 3 करोड़ टोटल ये मूवी कमा लेगी अपने दूसरे हफ्ते के फर्स्ट वीक एंड तक, यानी कि सैटरडे तक। होपफुली ये नंबर और बेटर होगा, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी जब मूवी ने वीकडे पे मेंटेन की है तो वीकेंड थोड़ा बेटर ही जाएगा, और क्योंकि और जो साथ में रिलीज़ हुई है मूवी वो भी अच्छा नहीं कर रही हैं, तो ऑडियंस के पास देखने के लिए अच्छी मूवी के नाम पर यही मूवी बचती है। दोनों मूवी के एक बात सिमिलर है कि दोनों की मार्केटिंग काफ़ी ख़राब की गई है। उस मूवी की प्रॉब्लम भी यही है, उसकी भी मार्केटिंग ख़राब है, इस मूवी की प्रॉब्लम भी यही है कि इस मूवी की भी मार्केटिंग जो है वो ख़राब की गई है। 4 करोड़ के बजट में बनी बूहे भारियाँ ने 3 करोड़ कर लिया, यानी कि ठीक ठाक पैसे कमा लिए, बट अभी भी इसने अपने कमाई को रिकवर नहीं किया। कमाई रिकवर करने के लिए 1 करोड़ और लगेगा, बट जिस कंसिस्टेंसी से जा रही है अपनी कमाई रिकवर कर लेगी और शायद जल्दी ही प्रॉफिट में आ जाएगी। जो 4 करोड़ है इसमें मार्केटिंग और प्रमोशन सारा कुछ इंक्लूडेड है, बजट ही मूवी का कम है वो हमें दिख रहा है जिस हिसाब से मार्केटिंग की गई है, बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। अगर आपने नहीं देखी है देख लो, मैंने इसका रिव्यू भी डाला है वो देख लो, अगर देखना है पहले तो उसके बाद डिसाइड कर लो देखनी है नहीं देखनी है। अभी मूवी के पास 1 हफ्ता और है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इस वीकेंड वीकेडे पे भी बॉलीवुड से अभी कोई खास मूवी साथ में रिलीज़ नहीं हुई है, जो हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ पंजाब की दूसरी मूवी मस्ताने, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर कर ही रही है, उसके साथ साथ ये मूवी भी है जो कंसिस्टेंट नंबर पकड़ के चल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।